दोस्तों हमारे बीच कई ऐसी परंपरा है जिनके बारे में यदि हम सोचें तो थोड़ी हैरानी जरूर होगी। ऐसे में ही एक परंपरा है जिसे हम अपने आसपास सुनते और देखते भी हैं। उसका नाम है पोस्टमार्टम। दोस्तों आखिर क्या वजह होती है जिसकी वजह से रात के बजाय दिन में पोस्टमार्टम किया जाता है, इसके पीछे की क्या वजह है, चलिए आज के इस वीडियो में हम जान लेते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दरअसल दोस्तों पोस्टमार्टम मेडिकल में एक तरह का ऑपरेशन माना गया है। बस फर्क इतना है कि इसमें मृत शरीर का परीक्षण किया जाता है जबकि ऑपरेशन में जीवित व्यक्ति का ऑपरेशन किया जाता है। पोस्टमार्टम की वजह है व्यक्ति के मौत का सही कारण का पता लगाना। इसके बारे में कम ही लोग जानते होंगे कि पोस्टमार्टम के लिए मरे हुए व्यक्ति के करीबी रिश्तेदारों की सहमति अनिवार्य होती है, पर कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जिनमें पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पोस्टमार्टम की अनुमति दे सकते हैं। अगर हम जानकारी की माने तो किसी की मृत्यु के 6 से 10 घंटे के भीतर पोस्टमार्टम कराया जाता है। दरअसल इसके बाद मरे हुए शरीर में प्राकृतिक परिवर्तन होने लगता है। खास बात यह है कि किसी के भी मरे हुए शरीर का पोस्टमार्टम सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच ही कराया जा सकता है। दरअसल रात में ट्यूब लाइट या फिर LED मानोनियमित रोशनी में चोट का रंग लाल के बजाय बैंगनी दिख सकता है और फॉरेंसिक साइंस में बैंगनी रंग की चोट का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। जानकार मानते हैं कि प्राकृतिक रोशनी या फिर सूर्य के उजाले में और मानोनियमित रोशनी में चोट का रंग अलग अलग दिख सकता है, जिससे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इसके अलावा रात के समय पोस्टमार्टम नहीं कराने की बड़ी वजह धार्मिक कारण को भी माना जाता है। कई धर्मों में रात के समय या सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं होती है। दोस्तों यह एक बड़ी वजह है इस परंपरा को मानने की। दोस्तों आपको यह मेजिक इंफॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और इसके साथ साथ आप बेल आइकन को भी जरूर दबा लेना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस हमेशा लाते रहते हैं। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।